अगली खबर आ रही है भिंड से, जहां लहार की सरयू वाटिका में बीती रात भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में राजन जी महाराज ने रामचरितमानस की चौपाइयों को गाकर उनका वर्णन किया। राजन जी ने कहा कि माता सीता का हरण होने के बाद राम लक्ष्मण व्याकुल होकर जंगल में उन्हें खोज रहे हैं। सीता को खोजते हुए उनकी मुलाकात महाराजा सुग्रीव व हनुमान से होती है। भगवान श्री राम को देखकर हनुमान उनके चरणों में गिर जाते हैं। सुग्रीव भगवान को सीता माता को खोजने का वचन देते हैं। भगवान श्री राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने का आश्वासन देते हैं। वह बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाते हैं। हनुमान माता सीता की खोज में लंका जाते हैं। वह माता सीता को खोज रहे हैं। इसी दौरान उन्हें भूख लगती है तो वह फलों को खाते हुए पेड़ों को नष्ट करने लगते हैं। जो भी राक्षस उन्हें रोकने के लिए आता है उसे मार देते हैं। अंत में मेघनाथ हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। हनुमान रावण को माता सीता को प्रभु राम को लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन मद में सवार रावण हनुमान की एक नहीं सुनते। वह हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। इस घटना में राक्षसों में हाहाकार मच जाता है। पूरे सोने की लंका खाक हो जाती है और पूरे राक्षस मारे जाते हैं। हनुमान माता सीता को उनकी मुद्रिका देकर भगवान का संदेश देते हैं। इसके बाद राजन जी महाराज ने रावण बल तक की कथा सुनाई। इसके बाद राजन जी ने कहा कि अगर आपका मन साफ है और आपने किसी का आहत नहीं किया है तो निश्चित ही एक दिन प्रभु आपका तारण करेंगे। इसके अतिरिक्त राजन जी ने अनेक मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी, जिन्हें सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में लहार तहसील सहित आसपास के लगभग 10 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी श्रोता भजन सुनने पहुंचे थे।